YouTube की तरफ से आपको भी स्ट्राइक दे दिया गया है या फिर आपकी वीडियो को रिमूव कर दिया गया है YouTube की तरफ से विदाउट एनी रीजन। आपको लगता है कि उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मुझे मारा है, लेकिन मेरी वीडियो में वैसा कुछ भी नहीं था, तो कैसे आप उस वीडियो को रिकवर कर सकते हो, कैसे अपने चैनल पे आए हुए कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हो, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मुझे यह मेल आया हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी की वजह से मेरी वीडियो को यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया और मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मार दी गई, लेकिन इसे मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में 9:59 में यूट्यूब की तरफ से दोबारा से ईमेल आता है और इस ईमेल में यूट्यूब ये कंफर्म करता है कि मेरी जो वीडियो थी वो कोई भी हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रही थी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और मेरी वीडियो वापस से यूट्यूब पर आ गई, स्ट्राइक भी मेरे चैनल पे से हट गया। तो ये बहुत ही इजी था गाइज, कैसे मैंने किया और आप कैसे अपने चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक को रिमूव कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना, तभी आप ये कर पाओगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। और मेरी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, प्ले स्टोर से आपको कॉल मी फॉर ऐप को इंस्टॉल करना है, उसमें मेरी आईडी ट्रिकी अजीम सर्च करोगे, सामने आ जाएगी कुछ इस तरीके से। आप इस पर टैप करो या फिर क्लिक करो और उसके बाद आप मुझसे ऑडियो या फिर वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। यहाँ पर देख लो, नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक 1 रिव्यू कंटेंट हियर, तो आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, कंटेंट जो है वो स्ट्राइक ऐड हुआ है चैनल पर, विजिबिलिटी जो है वो रिमूव कर दी गई है, मोनेटाइजेशन जो है वो इनएलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन ऊपर में मिलेगा, ऊपर में टैब में अपील का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो सिंपली आपने यहाँ अपील वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो या फिर सिंपली आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देना, जैसा कि मैंने किया। सिंपली मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया, उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन मिलता है, आई वॉन्ट टू अपील रिमूविंग द कंटेंट डजंट मेक सेंस टू मी, तो इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, आई वॉन्ट टू लीव ए कमेंट, तो अब यहाँ पर आपने जो ये सारी चीजें लिखनी है जो मैंने लिखा है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूं कि यहाँ पर भाई साहब सिर्फ और सिर्फ अपने उस वीडियो से रिलेटेड चीजें ही आपने एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास वीडियो लिंक होगा तो आपने वीडियो लिंक भी डाल देना या फिर वाइटियो स्टूडियो में जाके उस वीडियो का लिंक निकाल के यहाँ पे डाल देना। इसके बाद आपको सबमिट करना है, बहुत सिंपल है। जैसा ही आप सबमिट करोगे आपकी जो अपील है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपने इसे डिसमिस कर देना है। इसके बाद दूसरी चीज जो आपने करनी है, अपने चैनल को यहाँ से लॉग आउट कर दो और वेट करो, वेट करो ईमेल आने का YouTube की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि YouTube की तरफ से 9:59 में दोबारा से मेरे पास ईमेल आता है और ईमेल में लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, After taking another look, we can confirm that your content does not have violated our community guidelines. तो उसकी वजह से मेरे चैनल पर से जो स्ट्राइक आई हुई थी वो रिमूव हो जाती है, वीडियो जो मेरा रिमूव हो चुका था वो वापस आ जाता है। तो आप ये देख सकते हो भाई साहब कितनी जल्दी जो है मेरा जो स्ट्राइक है वो चैनल पर से हट गया। जो मैंने लिखा आप अगर वो फॉलो करोगे तो आपका भी जो स्ट्राइक है आपके चैनल से रिमूव हो जाएगा।